Good morning friends, how are you all? Hope all is well there. Dear students, today I am going to start the second exercise of mathematics. Second exercise of mensuration portion. This is named a volume and surface area of solid. तो सबसे पहले हम लोग solid समझते हैं, solid क्या होता है. तो solid किसे बोलते हैं, जो 3D objects होते हैं. जैसे आपको 3D objects में cubic है ना, सिलेंडर, स्पेयर, ये सब 3D कहते हैं. इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज, 3D का मतलब तीन चीज इसमें आ जाएगा, लेंथ, ब्रेथ और हाइट. तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, 3D ऑब्जेक्ट यानी सॉलिड ऑब्जेक्ट. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में, इसके वॉल्यूम, इसके सरफेस एरिया, डायगोनल है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा के बारे में बात करेंगे. तो इससे पहले मैं आप लोगों को क्यूब और क्यूबॉइड से परिचय कराता हूँ, है ना. आप लोग पिछले क्लास में क्यूब क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है, ये सब चीज़ पढ़े होंगे, लेकिन इसमें थोड़ा मैं डिटेल से बताता हूँ. देखिए, मेरे हाथ में जो बुक है, ये बुक किस चीज़ का एग्जाम्पल है, क्यूबॉइड का एग्जाम्पल. क्यों? क्योंकि इसमें लेंथ है ना, ब्रेथ है और हाइट है. तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज जिस सॉलिड में पाया जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड. ये क्यूबॉइड का एग्जाम्पल है ना. अब एक चीज बताते हैं हम आप लोग को, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया और ये हाइट. हाइट को कभी कभी मोटाई भी कहा जाता है, हाइट को कभी कभी गहराई भी कहा जाता है, ठीक है. तो ये तीन चीज आपको पाए जाएंगे, तो ये क्यूबॉइड. अब एक चीज हम बताते हैं आपको, देखिए ये आप है ना, इस साइड, इसको हम क्या बोलते हैं, फेस या सरफेस. सरफेस भी कहा जाता है और फेस भी कहा जाता है. तो आप काउंट कीजिए कि इसमें कितने सरफेस हो, एक सरफेस ये हुआ, एक इसके पीछे दो है ना, एक सरफेस साइड वाला तीन, एक इस साइड वाला चार, एक ऊपर वाला पांच, एक नीचे वाला छह. तो कितने सरफेस हो गया, सरफेस बोलो या फेस बोलो, कितना हो गया, सिक्स. तो क्यूबॉइड में सिक्स फेस, मैंने उसको फेस लिखा है, सिक्स फेस होता है. अब देखिए क्यूबॉइड और क्यूब में सिर्फ डिफरेंस क्या होता है, क्यूबॉइड जो है यह आपको रेक्टेंगुलर है, इसका जो फेस है रेक्टेंगुलर है. देखे ना, लेंथ है, ब्रेथ है, रेक्टेंगुलर है. जैसे आप बुक है, कॉपी है, ब्रिक्स ईंट को देख सकते हैं, आपके घर में अलमीरा होता है उसको देख सकते हैं, आप अपने विंडो, अपने दरवाजा, इन सब चीज़ को देख सकते हैं. ये सब किसका एग्जाम्पल है, क्यूबॉइड का एग्जाम्पल है. लेकिन क्यूब, क्यूब में क्या होता है, उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होते हैं. उसका जो फेस होता है, जो सरफेस होता है, वह स्क्वायर शेप का होता है, ठीक है. जैसे आप लूडो, लूडो जो खेलते हैं, लूडो, लूडो का डैश देख सकते हैं, बर्फ की सीढ़ी होती है. तो ये सब क्या है, इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल रहता है, इसीलिए हम इन लोग इसको या क्यूब कहलाता है. तो जिस तरह क्यूबॉइड में सिक्स फेस होते हैं, क्यूब में भी सिक्स फेस होगा. इमेजिन कीजिए, लूडो का डैश देखिए, वन से लेकर सिक्स लिखा रहता है ना, ये अलग अलग फेस पे लिखा रहता है, तो सिक्स फेस इसमें भी होता है. अब एस क्या होता है, एस मतलब किनारा. देखिए आप ये लाइन, ये छोटा सा लाइन, ये पतला सा जो लाइन गया है ना, तो कितने लाइन है टोटल, चलिए काउंट करते हैं. देखो वन लाइन टू, वन लाइन थ्री, वन लाइन फोर, चार इधर हो गया, चार नीचे, कितना हो गया, आठ, एक लाइन ये हो गया नौ, दस, ग्यारह और ये एक बार, तो कितने एज हो गए, ट्वेल्व. ठीक उसी तरह क्यूब में भी ट्वेल्व एज होते हैं. अब बात करते हैं वर्टेक्स. वर्टेक्स मतलब कोना, कॉर्नर है ना, कॉर्नर इसको बोलते हैं. देखो काम करो, एक वर्टेक्स, दो, तीन, चार, चार ऊपर और चार नीचे, आठ वर्टेक्स, तो आठ वर्टेक्स हो गए. अब ये बात मैंने पहले ही आपको बता दिया है, सरफेस है, क्यूबॉइड का सरफेस कैसा होता है, रेक्टेंगुलर होता है, और क्यूब का शेप कैसा होता है, तो स्क्वायर शेप का होता है. उसका क्यूब का जो सरफेस है वह स्क्वायर होता है, ठीक है. अब देखिए हम समझते हैं सरफेस एरिया क्या होता है. देखो ये जो सरफेस आपने देखा, आपने ये देखा कि क्यूब में और क्यूबॉइड दोनों में एट सरफेस होते हैं. तो इन एट सरफेस के एरिया को निकाल कर जो हम एड कर देंगे वही कहलाता है टोटल सरफेस एरिया. अब देखिए सिक्स सरफेस है ना जी, तो इसको निकालो, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये हो गया एल इंटू बी. ठीक उसी तरह पीछे एल इंटू बी, तो टू एल इंटू बी, ठीक ये आ जाएगा एल इंटू बी इंटू एच, ब्रेथ इंटू हाइट. इसी तरह दो इधर, एक b into h, इधर एक b into h, टू b into h. ठीक इसी तरह आप इसका बात करेंगे तो l into h है ना. तो यही सरफेस एरिया मतलब क्या होता है, इसके
सरफेस का एरिया। सरफेस एरिया का दो टाइप से होता है, एक टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया है टी एस ए, क्यूबाइड का टी एस ए क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, क्यूब का क्या होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, एक साइड का स्क्वायर निकाल के 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 इंटू साइड स्क्वायर। ये है आपको लेटर सरफेस एरिया क्या होता है, इसको पहले समझिए। जैसे आपका रूम है, आपका कमरा है, यह भी क्या है एक क्यूबाइड का एग्जाम्पल है, कोई कोई रूम क्यूब का भी एग्जाम्पल हो सकता है। तो ये क्या हो गया चारों दीवार, ये क्या है इसके साइड हो गया सरफेस, चारों दीवार चार सरफेस हो गया, एक रूफ पांच सरफेस और एक नीचे फ्लोर 6 सरफेस है ना। तो अगर हम इन छह सरफेस का जब एरिया निकालेंगे तो वो हो जाएगा टी एस टोटल सरफेस एरिया। लेकिन अगर सिर्फ हम चारों दीवार का सिर्फ फोर वॉल का जो एरिया हम निकालेंगे वही कहलाता है लेटरल सरफेस एरिया, इसे हम एरिया ऑफ फोर वॉल भी कहते हैं। तो देखो क्यूब में क्यूबाइड में जो एरिया से आएगा लेटरल सरफेस एरिया 2 इंटू एल बी इंटू एच, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, और क्यूब में आएगा तो 4 इंटू साइड का स्क्वायर, यह आपको लेटरल सरफेस एरिया हो गया। वॉल्यूम का बात करते हैं तो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है मालूम है, वॉल्यूम का मतलब होता है उसके अंदर कितना चीज आ जाए, रूम है तो रूम के अंदर के पूरे एरिया को काउंट किया जाता है उसके अंदर के, ठीक है ना। जैसे रूम में कितना हवा भर सकता है ये वॉल्यूम मेजर करेगा, किसी भी जो है ना क्यूबिकल अगर टैब है उसमें कितना पानी आ सकता है यह आपको क्या करता है वॉल्यूम शो करता है। तो क्यूबाइड का जो वॉल्यूम होते हैं वह लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होते हैं, और क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो साइड इंटू साइड साइड का हॉलोक्यूब होता है, साइड का हॉलोक्यूब, ठीक है। तो इतना समझना है, अब डायगोनल समझिए। देखिए जब आपका अगर 2D ये रहता है, जब है ना सिर्फ लेंथ और ब्रेथ वाला कोई अगर जो है ना आकृति रहता है, कोई फिगर रहता है जैसे रेक्टेंगल स्क्वायर है ना ट्रेपेजियम, तो हम लोग क्या करते हैं एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर से मिला देते हैं है ना, तो वो डायगोनल कहलाता है। जैसे अगर हम इस सरफेस की बात करें तो इसको इससे मिला देंगे तो यह क्या हो जाएगा आपका डायगोनल। लेकिन क्यूब और क्यूबाइड में 3D जो है फिगर में 3D सॉलिड में कैसे हम डिटरमाइन करेंगे, तो देखो इसमें क्या किया जाता है एक कॉर्नर से लेकर आप क्या करेंगे इस कॉर्नर को लेकर और इस अपोजिट के नीचे वाले कॉर्नर को मिलाएंगे। जैसे आप रूम को अपने रूम का इमेज लेंगे, रूम का है ना एक ऊपर वाला कॉर्नर लेते हैं और इसके ठीक सामने जो कॉर्नर उसके नीचे वाले कॉर्नर है ना, तो आप इसमें इस तरह क्वेश्चन आता है कि आप किसी रूम में मैक्सिमम कितना लंबा रॉड को रख सकते हैं। तो आप देखो ऐसे लेंथ बाय लेंथ रखोगे, मेजर रॉड लेंथ बाय लेंथ, फिर कॉर्नर टू कॉर्नर है ना, फिर ब्रेथ बाय ब्रेथ, और फिर ऊपर वाले कॉर्नर और एक नीचे वाले कॉर्नर को मिला दो, तो सबसे बड़ा जो रॉड रखाएगा तो यही डायगोनल होता है। तो इसका जो डायगोनल होता है वह एक कॉर्नर के ऊपर से अगर हम लेते हैं तो उसके ठीक अपोजिट वाले कॉर्नर के नीचे वाले कॉर्नर को मिलना पड़ेगा, और ये जो लाइन मिलेगा यही कहलाता है डायगोनल, ठीक है। तो डायगोनल ऑफ क्यूबाइड जो होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, क्यूब की बात करेंगे तो रूट 3 इंटू साइड। इतना बात समझ में आ गया। अब हम आपके एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का थे लेंथ दिया है 15 मीटर, ब्रेथ दिया है 6 मीटर, हाइट दिया है 5 डेसीमीटर। अब ये चीज याद रखिएगा आपका यूनिट सेम होना चाहिए, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों का यूनिट सेम होना चाहिए, तो ये तो मीटर है ये मीटर है ये डेसीमीटर। तो 1 डेसीमीटर जो है कितने मीटर के बराबर होता है, तो 10 डेसीमीटर होता है 1 मीटर के बराबर, तो उसको हम क्या करेंगे मीटर में चेंज करने के लिए 10 से डिवाइड देंगे तो 10 से डिवाइड देंगे तो 5/10 मतलब 0.5 मीटर, इसको 1/2 भी लिख सकते थे 0.5 मीटर। अब वॉल्यूम क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, तो पुट करो लेंथ 15 है तो 15, 15 ब्रेथ 6 है तो 6 और हाइट 0.5 मल्टीप्लाई करो तो 5 मीटर आ जाएगा। अच्छा एक चीज बता दूं वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है क्यूब में मेजर किया जाता है, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब है ना क्यूब में, लेकिन एरिया है तो मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के स्क्वायर में मेजर करते हैं। अगर सिर्फ लेंथ रहेगा तो मीटर में या सेंटीमीटर, इस तरह वॉल्यूम आ गया 45 मीटर क्यूब, ठीक है। अब एल से लेटरल सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, तो 2 इंटू लेंथ 15 प्लस ब्रेथ 6 इंटू हाइट 0.5, तो 15×21 इंटू 2 इंटू 0.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, अब देखो यह लेटरल सरफेस एरिया, अब एरिया है इसीलिए मीटर स्क्वायर,
ठीक उसी तरह टी एस टोटल सरफेस एरिया तो 2 इनटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल तो 2 इनटू एल 15 इनटू ब्रेथ 6 प्लस बी इनटू एच तो ब्रेथ 6 हाइट 0.5 इन प्लस एच इनटू एल तो एच 0.5 इनटू एल 15 उसको सॉल्व करेंगे तो 21 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये एक एग्जांपल मैंने क्यूबॉइड का बताया, ठीक है। अब इसी में कई सारे क्वेश्चन रहेंगे, सरफेस एरिया वॉल्यूम दे दिया है कुछ निकालने को बोल रहा है, एक एग्जांपल हम क्यूब से ले लेते हैं। तो है ना क्वेश्चन नंबर 18, साइड है 9 मीटर, क्यूब का साइड है 9 मीटर, चलिए तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा साइड का क्यूब, मतलब साइड 9 है 9 का क्यूब, अब 9 का क्यूब मतलब 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए तो 9 × 9 × 9 तो आपका आएगा 729 मीटर क्यूब, है ना। तो आपका जो वॉल्यूम होता है वो क्यूब होता है, इसीलिए 729 मीटर स्क्वायर, है ना। अब बात करते हैं एल एस ए, है ना, लेटर सरफेस एरिया तो 4 इंटू साइड का स्क्वायर तो 4 साइड 9 तो 9 का स्क्वायर इसको सॉल्व करो 324 मीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो 6 इंटू अब 6 साइड बताएगा तो 6 इंटू साइड का स्क्वायर तो 6 साइड 9 9 का स्क्वायर 26 आ जाएगा। इसमें डायगोनल भी निकालना होता है तो डायगोनल रूट 3 इंटू साइड तो रूट 3 साइड 9 है, रूट 3 का वैल्यू आपका बुक ही बोल रहा था 1.73 लेने तो 1.73 लेते हैं तो 15.57 मीटर। अब डायगोनल है या लेंथ है या ना एरिया है ना वॉल्यूम है तो यह आपको आ गया लेंथ, इसलिए इसको हम मीटर में लेंगे। तो इस तरह मैं आपको क्यूब और क्यूबॉइड दोनों का एक एक एग्जांपल दे दिया। अब देखिए इस एक्सरसाइज में आपको एक्सरसाइज नंबर 14 में है ना मात्र 28 क्वेश्चंस है तो 14 क्वेश्चंस आप लोग ऐड कर लीजिए, 14 क्वेश्चंस कम कर लीजिएगा, है ना, इस तरह आसान हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस का हम लोग हिंट्स दे देते हैं आपको, जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक मैच बॉक्स है, माचिस का बॉक्स है जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट दे दिया है तो कह रहा है कि इस तरह के 12 मैच बॉक्स का क्या वॉल्यूम होगा तो एक का वॉल्यूम निकाल के 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 अब कह रहा है एक वाटर टैंक है, किस शेप का, क्यूबॉइड शेप का है ना, इसका लेंथ ब्रेथ हाइट दिया है तो कह रहा है कितना लीटर इसमें पानी आएगा तो आप इसका वॉल्यूम निकाल दीजिए और 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 1000 मीटर होता है, 1 मीटर क्यूब इस पर 2 एक लीटर के सॉरी 1000 लीटर के बराबर होता है। तो आप जहां भी देखो कितना पानी आएगा, कितना हवा आएगा, कितना सामान रखा जा सकता है तो आप वहां बेहिचक वॉल्यूम निकाल दीजिए, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 है ना। अब देखो 5 में कहता है कि एक गोडाउन है, गोडाउन गोदाम जिसको बोलते हैं हम लोग, वह उसका लेंथ ब्रेथ हाइट दिया है तो कहता है कि मैक्सिमम वुडन क्रेट्स लकड़ी का छोटा छोटा टुकड़ा उसमें रखना है जिसका मेजर 1.5 × 1.25 × 0.5 लेंथ ब्रेथ और हाइट कितना दिया हुआ है तो कितना नीचे आएगा तो इसमें क्या करना है गोडाउन का वॉल्यूम निकाल दीजिए और एक वुड कार्ट का वॉल्यूम निकाल दीजिए और हाइट दे दीजिए। और एक चीज याद रखिएगा इस तरह के जब क्वेश्चन आएंगे इतना बड़ा रूम में कितना डिब्बा रखा जा सकता है, एक बड़ा कार्टून में कितना पैकेट आ सकता है, अगर नंबर ऑफ पीसेस निकालने की बात आएगा तो वॉल्यूम को आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 6 में है ना सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 में आप वॉल्यूम निकालेंगे तो 40 × 25 × 50 इसको मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा, इसको ऐसा ही रहने दीजिएगा क्योंकि बाद में वह कैंसिल हो जाएगा, काटेंगे हम उसको ऊपर नीचा तो वह कट जाएगा तो जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे टफ बन जाएगा, इसीलिए नंबर वॉल्यूम ऑफ गोडाउन डिवाइड वॉल्यूम ऑफ वन कार और इसको आसानी से काटते हुए निकल जाएगा। तो इसी तरह बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, आप क्वेश्चन नंबर 14 तक कर लेंगे और इसके बाद मैं आप लोगों को है ना 14 आज कर लो 14 कल कर लो, दो दिन का समय देता हूँ, देखिए बहुत कम कम क्वेश्चन दे रहे हैं इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, कोताही आलसी काहिलपन ये सब खत्म कीजिए, क्लास 9th में चले गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे आपका ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इसीलिए बहुत समय आप लोग को प्रीवियस है ना कवर करने के लिए मिल गया। अब आज से वीडियो स्टार्ट हो रहा है, नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, अब मैं ज़्यादा ज़्यादा लोड नहीं दूंगा, मात्र 14 क्वेश्चन आज करने हैं और 14 क्वेश्चन फिर कल कर लो, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेशन का याद रखना है, फॉर्मूला बुक करेंगे कैलकुलेशन को सावधानी पूर्वक करेंगे आपका एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक हमें मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका आंसर मैं उसको सॉल्व करके आप लोगों को समझा दूंगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय टू ऑल।